अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और हम ये जॉनस्टन कंपनी का चैप्टर स्टार्ट किया है, तो मेरे पास जो अगला क्वेश्चन है ये सिक्स वाला। अब ये ऊपर वाले की तरह सेम है, मैं इसमें आपको दो एंट्री बताऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए, कंपनी लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुपीज़ जो है 5 लाख डिवाइडेड इंटू जो है 10,000 शेयर्स ऑफ 58। अब आप कहेंगे देखिए, ऑथराइज कैपिटल मेरे पास 5 लाख है, तो ये 10 जो है 1,000 शेयर्स और 50 का सिंपल है। देखें 5 लाख है ना, ओके, एक शेयर कितने का 50 का, इसको मैंने डिवाइड किया 50 से, तो मेरे पास कितना आ गया 10,000 शेयर्स। ठीक है, बड़ा सिंपल तरीके से। कंपनी ने कितने शेयर जारी किए? 7,000 किए। लेकिन अब देखिए, थोड़ा सा बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन करवाया है। अब क्या लिखा हुआ है कि 1,000 शेयर्स टू प्रमोटर अगेंस्ट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसिस। अब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता क्या है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे को कहते हैं कि जब भी आप किसी कंपनी को स्टार्ट करने लगते हैं तो उसके शुरू में कितना खर्चा आएगा वो अंदाजन हम लगाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर फर्नीचर लगाना है तो कितना खर्चा एस्टिमेटेड आएगा, मैंने यहाँ के लोगों को पे अदा करनी है तो कितना खर्चा आएगा, मैंने यहाँ के लोगों को जो है बोनस वगैरह पेड करने हैं तो कितना खर्चा आएगा, कितने कंप्यूटर्स आएंगे, कितनी और चीज़ें लगेंगी, कितने टाइपराइटर लगेंगे। तो ये एक अंदाजन जो हम लगाते हैं ना कि कंपनी को स्टार्ट करने के शुरू में जो जो से खर्चे आते हैं उसको हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। अब जो खर्चा वो पे कर रहा है वो किस सूरत में पे कर रहा है? वो शेयर्स की सूरत में पे कर रहा है। ठीक है, तो ये एक एंट्री आ गई, मैं आपको बताता हूँ। 6,000 शेयर्स टू जनरल पब्लिक, और जो है 6,000 शेयर्स को उसको अदा किए हैं जनरल पब्लिक को। टोटल शेयर्स कितने बनते हैं? 6+1 इसका मतलब 7 है। ये देखिए, ये भी 7 है, लेकिन डिवाइड कर लिया। जैसे पिछले मैंने बताया था कि 45,000 शेयर्स जो है वो किसको जारी किए गए थे? आवाम को। और बाकी जो 5,000 शेयर्स थे वो किसको दे दिए गए थे? अंडररराइटर को। ठीक है, ऑन 15 नवंबर 2005 कंपनी रिसीव एप्लीकेशन 6,000 शेयर्स। सिंपल है, मैं आपको इसमें बताता हूँ कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की एंट्री आपने क्या पास करनी है। ये जी, प्रीलिमिनरी को डेबिट करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको एसेट ही होता है। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट किसे कहेंगे? क्योंकि कैपिटल्स के काम से जाना है कंपनी के सारे एग्रीमेंट, तो शेयर कैपिटल अकाउंट कहेगा, क्योंकि सारा काम आपके कैपिटल में हमने बताना है कि हमारे जो शुरू में एक्सपेंसेस आए थे वो कितने जो हैं लगेंगे, कितना अंदाजन है, कितना पे जाएगा, सारा कुछ वो प्रमोटर्स ने वो क्या किया है शेयर से साथ किया है। तो प्रीमियम एक्सपेंसेस हमेशा आपके डेबिट होंगे। अब इसकी अमाउंट कैसे आएगी? 1,000 का ना, तो 1,000 को आपने उसके वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, बस ये मैंने आपको बताना था। ये चीज़ इसमें सिंपल थी, ये इसकी एंट्री, बाकी सारी चीज़ें सेम प्रोसीजर है। आपने क्वेश्चन करना है, नहीं समझ आएगी तो मुझे कमेंट्स करें, मैं कोशिश करूँगा समझाने की। ठीक है, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर है ना, 6 ये नहीं करना क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं आना, 7 पे आ जाए। तो 7 पे मैं आपको करवाता हूँ कि प्रीमियम को कैसे करते हैं। हाँ, बहुत सिंपल है, अक्सर प्रीमियम का ही उठा के देते हैं वो। ऑन 15 अगस्त 2004 कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹1,00,000 शेयर्स ऑफ ₹ जो है 10 ईच। 1 लाख के शेयर्स थे, ठीक है, और एक शेयर की वैल्यू कितनी? 10 थी। ऑन 15 जनवरी 2005 द सब्सक्राइब एंड पेड कैपिटल ऑफ द कंपनी 50,000 शेयर्स फॉर ₹10 ईच। ठीक है, वो बता रहा है कि 1 जनवरी 2005 की बात है कि 50,000 के शेयर्स और एक कितने का था? 10 का था। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है कि ऑन 15 जनवरी द कंपनी इशू 20,000 शेयर्स ऑफ 10। अब यहाँ से शुरू हो रहा है आपका, 20,000 के शेयर्स थे और एक शेयर की वैल्यू की 10 की थी, जारी किसको किए? जनरल पब्लिक को। लेकिन वो कह रहा है कि प्रीमियम पे जारी किए हैं, 10% प्रीमियम पे। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। एप्लीकेशन वर रिसीव 35,000 शेयर्स, जारी कितने किए थे? 20,000 थे, लेकिन एप्लीकेशन कितनी आ गई? 35,000 की। ठीक है, ऑन 30 जून शेयर्स वर अलॉटेड एंड मनी वाज रिफंडेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 15,000 शेयर्स। लेकिन जाहिर सी बात है कि 20,000 शेयर्स जारी किए थे तो 15 के पास एक्स्ट्रा आ गए, वो हमने क्या करने हैं? वापस करने हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है? एंट्रीज पास करनी है, बैलेंस शीट बनाना है। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, तो इसको गौर से देखें ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आपको पता चले सवाल कैसे करना है। ज़्यादातर एग्जाम में प्रीमियम वाला भी आता है, और आज आपको डिस्काउंट का करवा के जो है ना इस क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया जाएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि एक सवाल आपको दे दिया जाए।
ताकि जब आप उसको सॉल्व कर लें आपको भी तसल्ली हो जाए कि कैसे सवाल करने हैं। अगर तो सवाल के साथ पार लिखा हुआ है तो पार की ही एंट्री करनी है। फिर चलते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अब यहाँ से मेन चीज़ आप देखें वो क्या कह रहा है, कंपनी ने कितने एप्लीकेशन रिसीव किया है, 35,000। ठीक है, कितनी रिसीव किए हैं शेयर्स, एप्लीकेशन आपकी शेयर्स की आई हैं 35,000। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पर शुरू में इसने क्या लिखा हुआ है, कंपनी ने क्या किया था कि आपके टोटल शेयर्स कितने थे, 50,000 शेयर्स थे और एक शेयर की वैल्यू कितनी, 10 की। 10 का मतलब होता है कि ये शेयर की वैल्यू बता रहे फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब होता है असल कीमत। ये भी मैं आपको बता दूँ, फेस वैल्यू मतलब असल कीमत। ज़ाहिर है जब भी कोई क्वेश्चन आएगा उसमें वो लाजमी बताएगा, क्योंकि वो बताएगा तो आपको पता चलेगा ना कि पार पे है तो उसमें असली अमाउंट कौन सी है और कितना का इसमें ऐड हो रहा है। उसके बाद उसने क्या कहा है, कंपनी ने क्या किया है, 20,000 शेयर जारी किए हैं, कितने के, 10 के जनरल पब्लिक को, लेकिन अवाम को वो 10 प्रीमियम पे दे रही है। इसका मतलब है कि असल कीमत से ज़ायद भी जारी कर रहा है। 10 प्रीमियम किसका करेंगे, याद रखें कि जब भी आपको प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे कहें कि शेयर जारी करने हैं तो आपने हमेशा शेयर्स की असली वैल्यू करना है, और यहाँ पर आपकी असली वैल्यू क्या है, वो है 10 रुपये। अगर 100 होगी तो 100 का करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर 10 ही का ही देखें, 10 प्रीमियम कितना दिया हुआ है, 10। ये देखिए इसका मैं 10 किया, 100 किया, तो मेरे पास कितना आ गया, 1 आ गया। या आपको यहाँ पर करके भी दिखाता हूँ, ये देखिए 10 10 डिवाइडेड 100, 1 आ गया। इसका मतलब है 1 रुपये का इजाफा है, असल कीमत से ज़्यादा पे दे रहे हैं। असल वैल्यू कितनी है आपकी, ये देखिए फेस वैल्यू लिख दो, फेस वैल्यू का मतलब होता है असल कीमत। जब ये भी वर्ड आप देख लें, वो मेरे पास शेयर कितने का, 10 का है। वो कह रहे हैं कि आवाम को हमने 10% प्रीमियम पे देना है। अब बच्चे क्या करते हैं, 10% लिखा होता था तो वो 10 अंदर ऐड करते हैं, ऐड नहीं करना, उसका 10% करके फिर ऐड करना है। ये जी 1, इसका मतलब है 11 रुपये का एक शेयर दे रहा हूँ आवाम को। ठीक है, अब देखिए ये ऐसी कीमत से ज़्यादा हुआ इसलिए हुआ क्योंकि असल वैल्यू तो 10 रुपये है, अब उसमें 1 रुपये ऐड किया तो 11 बन गया, इसका मतलब है असल कीमत से ज़्यादा दे रहे हैं। अब यानी एक शेयर की वैल्यू आपकी ये है, अब आपने जहन में ये बैठाना है। ये जी पहली एंट्री, अब देखिए पास कैसे करते हैं, वही जब आप एप्लीकेशन रिसीव करते हैं उसकी पहली एंट्री, वही मैंने कहा था आंखें बंद करके पास कर लेंगे। देखिए बैंक अकाउंट, शेयर, एप्लीकेशन, अकाउंट, क्लियर है। अब ज़रा यहाँ बुक की तरफ आ जाए, बुक में कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है मेरे पास, अब आपको बोल के मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ज़रा आपको ज़्यादा समझ आ जाए। ये पुराना सवाल है, एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है, 35,000। ये जेहन में बैठा लें, आप लोगों ने जो भी पहली एंट्री पास करनी है जितनी एप्लीकेशन रिसीव होगी हमेशा उसी अमाउंट को आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक बात फिर जेहन में बैठा लें कि जितनी भी एप्लीकेशन रिसीव होगी हमेशा वही अमाउंट मल्टीप्लाई होगी। अब वो कह रहा है कि 35,000 रिसीव ही है, 35,000 आवाम को वो किस पे जारी कर रहा है, प्रीमियम पे कर रहा है। अब आपने 10% नहीं करना, ना ही 10 से देना है, इसका मतलब है कि एक शेयर की वैल्यू कितनी की है, 11 रुपये की है। जितने भी प्रीमियम के क्वेश्चन है वो सारे इसी तरीके से करने हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन असाइनमेंट के तौर पे भी दे दूंगा ताकि मुझे भी पता चले कि आपको समझ आई है कि नहीं आई है। अगर समझ नहीं आए तो कमेंट्स करें, तो मैं कोशिश करूँगा एक और दो सवाल करके आपको समझा दिया जाए। ठीक है, और एक शेयर की मैं कहती थी ये देखिए 11। ठीक है, अब आपने क्या करना, सिंपल 35 × 11, तो मेरे पास ही कितना आ गया, 3,85,000। ये डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी। अब यहाँ पर आपने लिखना है बीइंग द शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड, याद है, क्लियर हो गया। अब सिंपल क्या करना हमें, आगे से क्या लिखा हुआ है, ऑन द 30 जून शेयर्स वर अलॉटेड एंड मनी वाज रिफंडेड टू द एप्लीकेंट ऑफ 50 शेयर्स। देखें कंपनी ने शेयर्स कितने जो है इशू किए, उसे तो सिर्फ 20,000 की किए हैं, लेकिन जब एप्लीकेशन मैंने बंद रिसीव किए हैं और जब मैंने उसको काउंटर क्लोज किया तो पता चला कि मेरे पास 35,000 आए हैं। तो ये जहन में बैठा लें कि जितनी एप्लीकेशन आएंगी पहली एंट्री उससे आपने पास करनी है, वो बाद की बात है कि आपने उसको वापस करने की एंट्री करनी है। तो मेरे पास जो है 15,000 जो है एक्स्ट्रा आ गए, सिंपल आपने कुछ भी नहीं करना। जब आपके पास अमाउंट ज़्यादा आ जाए, देखिए जी यहाँ पर बताता हूँ, कंपनी ने इशू किए हैं 20,000, एप्लीकेशन कितनी रिसीव हो गई है, 35,000,
इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा मेरे पास क्या है 15,000। मुझे तो जितनी ज़ाहिर है गुंजाइश है मुझे इतनी चाहिए। आप देखें ना कॉलेज में जब एडमिशन स्टार्ट होते हैं वो सब बच्चों के जो है ना वो ले रहते हैं, पोस्ट प्रैक्टिस जारी करते हैं, बच्चों को एडमिशन लेते रहते हैं। लेकिन जब लिस्ट में नाम होते हैं तो चंद बच्चों की लगते हैं कि इतनी गुंजाइश है, इतने भी इतने बच्चे बैठ सकते हैं, सारे को नहीं लेते, बाकी को रिजेक्ट कर देते हैं। कंपनी का भी यही हिसाब है सेम, ठीक है। तो पहली पहली जितनी एप्लीकेशन रिसीव होगी उससे मल्टीप्लाई करना और शेयर्स देखने कि पार पे दे रहा है, प्रीमियम पे दे रहा है या डिस्काउंट पे दे रहा है। एग्ज़ाम में लाजमी लिखा होगा, लेकिन अगर नहीं भी लिखा होगा तो वो बताएगा कि फेस वैल्यू उसकी 10 है। और आवाम को देखें बास का तो प्रीमियम नहीं लिखते, लेकिन ये बताते हैं कि देखें जैसे कि आपको मैं एग्जाम्पल बता दूँ। अभी क्वेश्चन लिखा हुआ है उसने आपको ये बता दी कि ये 10 ईच है, लेकिन आप यहाँ पर कह रहे हैं कि आवाम को जो जारी कर रहा है ये उसने नहीं लिखा, प्रीमियम का नहीं लिखा, उसने बस लिख दिया 10% पर कर रहा है। अब 10% ज़ाहिर कर रहा है, 10% लिखता है, यहाँ पर लिख देता है कि 11 पे कर रहा है, ठीक है। फेस वैल्यू आपको वो बता देगा, नीचे लिखेगा कि आवाम को जो हम जारी कर रहे हैं ना वो 11 पे कर रहे हैं शेयर का। अब आपने खुद सोचना है, देखिए असल वैल्यू तो शेयर की कितनी है, वो 10 की है, लेकिन आवाम को 11 का दे रहा है, इसका मतलब प्रीमियम है, ऑटोमेटिक प्रीमियम है। फेस वैल्यू से ज़्यादा हो जाए प्रीमियम, फेस वैल्यू से कम हो जाए तो क्या डिस्काउंट, सिंपल हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जो एक्स्ट्रा मेरे पास अमाउंट आई है 15,000 की एक्स्ट्रा आई है, मैंने क्या करना है, सिंपल मैंने कहा था जब एक्स्ट्रा आएगी इसी एंट्री को आपने उठा देना। ये देखिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और बैंक अकाउंट, कितने एक्स्ट्रा हैं 15,000 ना। अब देखिए 15,000 आपके क्या आए हैं, एक्स्ट्रा आए हैं, आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे ज़रा सोच के बताएं आप कि 15,000 तो शेयर्स आपके जो एप्लीकेशन थी ना वो हमने जो जारी की थी, हमने तो आवाम ने तो 20,000 जारी की थी, लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा कितने आ गए 35,000 आ गए, इसका मतलब है 15,000 एक्स्ट्रा है। तो कितने शेयर की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 10 होगा या 11 होगा, 11 होगा, क्योंकि जब आवाम को ही मैंने 11 पे जारी किया है तो वापस भी मैंने 11 पे करनी है, तो ये ज़हन बैठा रहे, कभी भी 10 से नहीं करना आपने। ये रह जी 15,000 मल्टीप्लाई 11 मेरे पास क्या आ जाएगा 1,65,000, ये वापसी की शेयर, ये डेबिट पे भी हो गया और क्रेडिट पे हो गया। और इसके नीचे रेशन आप देखनी है बीइंग मनी रिफंडेड, रिफंडेड वापस कर दिया, ये जी दो एंट्री। अब गौर से देखना आप, जनरल मैंने बता दिया आप लोगों को, और अब स्टूडेंट पूछ रहे थे कि डेट का इशू, डेट का कोई इशू नहीं है, डेट आपने लिखनी नहीं है क्योंकि वो कंपनी डिसाइड कर रही है कि हमने इतने को जारी करना है, इतना करना है, उसका कोई ताल्लुक नहीं, आपने सिर्फ डेट का परफॉर्मा बताना है, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। सिंपल एंट्रियाँ पास करनी है, यह जी या तो फिर हो गया। अब मेरे पास लास्ट एंट्री क्या बचती है कि उसको मैंने कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा देखिए कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या होती है, देखिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, और क्रेडिट साइड पे होता है शेयर कैपिटल अकाउंट, तो वो भी आपको बताता हूँ, सिंपल है। एक और चीज़ का इजाफा होना है, देखिए अगर पार्क की होगी तो सिर्फ ये दो एंट्री पास होगी, लेकिन अगर प्रीमियम और डिस्काउंट पे होगी तो इसमें एक और एंट्री का इजाफा होगा। आप यहाँ पे लिखेंगे कि प्रीमियम इशू ऑन शेयर्स अकाउंट, दो साइड क्रेडिट एक साइड डेबिट। अब देखिए इसमें अमाउंट कैसे पुट करनी है, सबसे पहले मैं आपको प्रीमियम का बताता हूँ। प्रीमियम आपके चले यहाँ पर आए शेयर कैपिटल पे आ जाए, आपके शेयर्स की वैल्यू कितनी है ये बता दें मुझे आप, शेयर्स की वैल्यू कितनी है, शेयर्स कंपनी ने कितने जारी किए हैं 20,000 की है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू लिखते हैं शेयर्स की, और शेयर्स की पर जो है फेस वैल्यू कितनी है वो 10 की है, या जिसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया मेरे पास कितना आ गया 2,00,000, ठीक है। इसी तरह कितने शेयर्स जारी किए हैं प्रीमियम पे किए ना, तो एक शेयर कितने प्रीमियम का इजाफा हुआ है ये बताना है, टोटल नहीं कह रहे कितने प्रीमियम का, एक प्रीमियम का हो, देखिए 10 आपकी फेस वैल्यू है और उसमें ऐड कितनी वैल्यू हुई है 1, यानी 1 रुपये का इजाफा किया उसने, तो आपने क्या करना है 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 20,000। इन दोनों को प्लस किया, ये जी मेरे पास कितनी की है 2,20,000, बस सिंपल और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर आप लिखना है बीइंग द शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। एक प्रीमियम का इजाफा होना, 11 तो आपका टोटल बना, टोटल प्रीमियम कितना है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि कितना एक प्रीमियम कितना दे रहे हैं, वो 1 दे रहे हैं, 1 रुपये का इजाफा किया, तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई किया,
अब आप यहाँ बच्चे क्या करेंगे, 11 से दे देंगे, नहीं एक का बताना है, असल वैल्यू बतानी कि 1 रुपये का इजाफा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर पेशा फेस वैल्यू से। तो ये आपकी जो है तीनों एंट्रीज क्लियर हो गई हैं, और उम्मीद है कि इसमें आपको कोई मसला नहीं होगा। और बैलेंस शीट प्रीमियम का मैं आपको बताता हूँ, वो सिंपल है, इसमें कोई ऐसा नहीं है लॉजिक है, इसमें क्या करना है आप लोगों ने, बास का तो इम्तिहान में पूछते नहीं है, लेकिन वो आपकी तसल्ली के लिए मैं बताता हूँ कि किस तरह ये क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत सिंपल तरीके से। ये उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर हो गया, अगर नहीं भी आया तो कमेंट्स कीजिएगा क्या समझ नहीं आ रही आपको। ये जी बैलेंस शीट मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ये जी एसेट्स रुपीज़, ये मैं वो रफरी प्रोफॉर्मा बता रहा हूँ आपको, स्केयर और नीट एंड क्लीन बताना है, क्योंकि मैं टाइम की तरह से बचत कर रहा हूँ कि आपका ना टाइम वेस्ट ना हो। अब आपका बैंक बैलेंस क्या है, मैंने आपको बताया था कंपनी आपने आपसे झूठी बोलती है हमेशा हकीकी वैल्यू बताएगी, तो बैंक बैलेंस मेरे पास क्या आएगा जो उसके कैपिटल में शो हो रहा है, और कैपिटल में क्या शो हो रहा है इसका, कैपिटल में क्या शो हो रहा है इसका, ये 2,20,000, ठीक है, ऑथराइज कैपिटल ज़रा देखना अगर दिया हुआ है तो ठीक है, मैं देख लेता हूँ, हाँ जी दिया हुआ है, ये जी ऑथराइज कैपिटल वो अमाउंट होती है जिससे कंपनी रजिस्टर्ड करती है अपने आप को, इसको आपने मार्कर से लिखना है, कितनी अमाउंट दी हुई है, ये रहे जी 1,00,000 है, 1,00,000 शेयर्स है, और इसकी एक वैल्यू कितनी की है, 10 each, ये जी कितना बन गया, 10,00,000। इसके नीचे लाइन लगाने का मतलब ये है कि इसको आपने ऐड नहीं करना। उसके बाद है इशूड कैपिटल, मैंने बताया था इशूड पेड अप सब्सक्राइब ये सारे मैंने आपको बता दिए थे, इशू शेयर्स ये सारे सेम होते हैं, जिसने पहली वीडियो से देखी हो जाकर देख सकता है। कंपनी ने कितने जारी किए हैं, हाँ जी 20,000 शेयर्स जारी किए हैं, आप देखिए 20,000 शेयर्स जारी किए हैं, और एक शेयर्स की वैल्यू कितनी थी फेस, वो 10 की थी, ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास तो आ गया 2,00,000। अब आप कहेंगे कि ये तो वहाँ पर तो 2,20,000 आ रहा है, प्रीमियम इसमें ऐड होगा, तो प्रीमियम इसमें ऐड इसलिए होगा क्योंकि अगर आपने जो है प्रीमियम पे लिए हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कंपनी को, वो प्रीमियम पे ही वापस करेगी, इसलिए प्रीमियम आपकी लाइबिलिटीज़ बनती है, प्रीमियम ऑन शेयर्स कितने का था, सिंपल है देखें 20,000 के शेयर्स थे और एक प्रीमियम कितने का था आपका, 1 each से मल्टीप्लाई किया, चलो मेरे पास यहाँ पर 20,000 आ गया, ठीक है, ये जी इसका टोटल किया 2,20,000 आ गया, और इसका टोटल किया ये जी 2,20,000 आ गया। चलिए जी ये तो आपका प्रीमियम का था, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन दे दिया जाए ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं, बहुत इजी तरीके से मैंने सवाल करवाया है, लेकिन फिर बच्चे इसमें घबरा जाते हैं कि कौन सी वैल्यू करनी है, ये प्रैक्टिस से आना है। अब मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने के साथ साथ उसको समझना है, जो जो कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो उसे कमेंट्स करें, पूरी कोशिश करेंगे कि बेहतर तो यही है कि आप जो क्वेश्चन करते हैं ना उसको स्क्रीनशॉट सेंड कर दिए गए, मेरा ईमेल आईडी भी है और मेरा फेसबुक का पेज भी है, वहाँ से मुझे पता चल जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई इसको लाइक करें, लाइक के साथ अगर जो बच्चे न्यू आए हैं वो हमारे चैनल पर उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी नोटिफिकेशन मिले उसकी अपडेट आपको मिल सके, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इम्तिहान की तैयारी जो है पॉजिटिव होकर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।